आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चिल्ला पावर के पास अंकिता भंडारी का शव मिला, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी मां विंध्यवासिनी की करेंगे दर्शन, निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का भी करेंगे निरीक्षण। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने 16वें दिन पदयात्रा कर रहे शुरू। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,912 नए मामले सामने आए। राजू श्रीवास्तव के लिए मुंबई में प्रार्थना सभा कल रखी जाएगी। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अलीगढ़ में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। शहरवासी नगर निगम की कार्यशैली को कोसते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई लोगों के आशियाने उजड़ते नजर आ रहे हैं। शहर की खराब हालातों के बारे में मेयर मोहम्मद फुरकान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने बारिश आने से पहले नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पहले ही चेतावनी दी थी। अलीगढ़ में एक जगह नहीं, सब जगह पानी भरा हुआ है। निकालने की कोशिश की जाए, जितनी मशीनरी है, जितने पंप नगर निगम, जितनी टीम हो सकती है, पूरी हर जगह लगी हुई है। दिन रात पंप चल रहे हैं। अगर कहीं नहीं चल रहे हो, मुझे इतना मिलती है तो फौरन फोन पे कहता हूँ मैं, कोशिश हो रही है। अब होता क्या है, थोड़ा पानी निकलता है, फिर बारिश हो, फिर उतना ही हो जाता है। ये ऐसा बहुत पब्लिक तकलीफ में है और ये अल्लाह की तरफ से है जो पानी बरस रहा है इतना, और एक दिन रुकेगा, सब पानी निकल जाएगा। कम भी होता गया, शाहजमाल में सब निकल गया और एक जगह नहीं, सभी इलाकों में पानी भरा बारिश होने की वजह से। 2 रात तो मुस्तकिल पानी होता रहा, लेकिन नगर निगम की टीम और नगर निगम के लोग जितने भी हैं, मेरी हिदायत पर, मेरे कहने पर अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं और लगे हुए हैं सब। हरदोई में नहर का पानी खेतों में भर गया है, जिससे खेतों में दर्जनों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। फसलों के बर्बाद होने से चिंतित किसानों ने नहर विभाग और ब्लॉक के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। किसानों की शिकायत पर भरखनी के पास बने कंट्रोल पॉइंट में पानी को रोक दिया गया। बता दें कि क्षेत्र के बरवन और सवायजपुर रजवाहा के कट जाने के चलते नहर का पानी खेतों में भर गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने नहर काटने की जानकारी अधिकारियों को दी तो बरखनी के पास कंट्रोल पॉइंट में पानी को बंद कर दिया गया, जिसके बाद नहर को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ेंगे। हर्षराज, नहर का पानी खेतों में भर गया है, किसानों की फसल जलमग्न हो गई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? ये मामला हरदोई जिले का है। बरवन रजवाहा कट जाने के चलते नहर में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। उनकी जो फसलें हैं बर्बाद हो रही हैं, इससे किसान बहुत चिंतित है। उन्होंने नहर विभाग और ब्लॉक के अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान यहाँ के जो है वो धरने की कगार पे हैं। वो कह रहे हैं जब हमारे पास खेती बचाने के कोई साधन नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे। अधिकारी कोई उनकी सुन नहीं रहा है। जी धन्यवाद हर्षराज हमसे जुड़ने के लिए।
सुल्तानपुर के नगर कोतवाली में आज बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना व्यवस्था में युवक को अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए इसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार ये मामला छात्रों के आपसी विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें सुल्तानपुर के नगर कोतवाली में आज बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना व्यवस्था में युवक को अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार ये मामला छात्रों की आपसी विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है, क्या कुछ पूरा मामला है, गोली मारने की क्या वजह सामने आई है? जिस तरह घटना आए दिन बढ़ती नजर आ रही है, एक तरफ जो है प्रशासन द्वारा लगातार नगर में जो है भ्रमण के दौरान जो है लोगों को हिदायत दे रखी है, कोई अपराध न बढ़ने पाए, कोई जो है समस्या न आए, कोई दिक्कत नहीं आए, वही दूसरी तरफ जो है देखा जा रहा है आपसी में छात्रों में जो है विवाद को जो है लेकर काफी हड़कंप मच गया था, और लगातार प्रशासन इस पर जो है नजरबंदी बना के रखी है, पूछताछ भी चल रही है। जो इस पे कार्रवाई करने को होगा वो उचित कार्रवाई करेगा, और छात्रों के ऊपर भी जो है जिस तरह जो है एक हंगामा मचा हुआ था, वो हंगामे को लेकर जो है प्रशासन टाइट होकर जो है कार्रवाई करेगी। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। हरदोई में आधुनिक सुविधाओं से लैस कैदी वाहन को एसपी ने रवाना किया। बता दें कि पुलिस मुख्यालय से जिले को एक कैदी वाहन उपलब्ध कराया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये वाहन कैदियों को लाने ले जाने का काम करेगा। इस वाहन के आने से कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था के कई इंतजाम होंगे। गाड़ी में आपातकालीन स्थिति के लिए अलार्म दिया गया है, जिससे बजाकर गार्ड किसी भी समस्या की जानकारी दे सकता है। इसके अलावा इस वाहन में BS6 की फिनिशिंग की गई है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस वाहन कैदियों को लाने और ले जाने का काम करेगा। ये अत्याधुनिक प्रिजन वैन जनपद को प्राप्त हुई है, जैसा कि अभी देखा गया है। इसमें नए तरीके की सुविधाएं हैं, जिससे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जा सके। ड्राइवर और पीछे गार्ड से बात करने के लिए इंटरकॉम का सिस्टम है, जो पीछे कैदियों के बैठने का स्थान है उसमें गेट बंद करने और खोलने का सिस्टम स्वाइप कार्ड के द्वारा व थंब इंप्रेशन से है। जो गार्ड पीछे बैठेगा उसको इमरजेंसी अलार्म बटन भी है उसके पास दबाने के लिए। इसके अतिरिक्त जो इसकी फंक्शनिंग है वो BS6 स्टैंडर्ड की है इस वाहन की। इस प्रकार ये अत्याधुनिक वाहन कैदियों के लाने जाने के लिए जनपद को प्राप्त हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष हमसे जुड़ेंगे। हर्ष, आधुनिक लैस से कैदी वाहन रवाना किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? तो गांव से लैस कैदी वाहन को एसपी ने रवाना किया है इसको। इसके मिलने से यहां पे जिले में बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। एसपी के मुताबिक जो बताया है, जो ये वाहन मिला है इसमें स्वाइप के साथ ही थंब से गेट खुलेगा, ड्राइवर गार्ड से संपर्क के लिए इंटरकॉम का सिस्टम है, आपातकालीन स्थिति के लिए अलार्म दिया गया है, जिसे बजाकर गार्ड किसी भी समस्या की जानकारी दे सकता है। इसके अतिरिक्त इस वाहन में BS6 की फंक्शनिंग है, और ये अत्याधिक सुविधाओं से लैस वाहन कैदियों को लाने और ले जाने का कार्य करेगा, जिसमें फुल प्रूफ सुरक्षा के किए गए इंतजाम है। जी धन्यवाद हर्षराज हमसे जुड़ने के लिए। हरदोई में सुरक्षा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दोनों आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने दोनों आरोपियों पंकज पटेल और कौशल पटेल पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। सुरक्षा पुलिस ने दोनों आरोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना सुरसा में कन्नौज के दो छाते चोर थे, जिन्होंने चोरी कई घटनाएं की थी, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट कायम किया गया था। ये फरार चल रहे थे, इनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम भी रखा गया था। इनकी गिरफ्तारी थाना सोसा क्षेत्र से हुई है।
इनके नाम जो है ये पंकज पटेल और कौशल पटेल है जो कि गैंगस्टर हैं। क्या आपराधिक इतिहास है? इनके विरुद्ध 3-4 मुकदमे चोरी के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं और अभी गैंगस्टर एक्ट इनके खिलाफ लगा हुआ है। देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम करायला शुक्ला एक स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। किसी तरह बच्चों और पुलिस कर्मियों की सहयोग से वाहन को बाहर निकाला गया। इस दौरान मासूम बच्चे किसी तरीके के हादसे का शिकार होने से बच गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डग्गा मार स्कूली वाहन को मासूम बच्चे धक्का लगा रहे हैं। हरदोई में एक साल बीत जाने के बाद भी बिजगवा के 1 करोड़ के भ्रष्टाचार की पोल नहीं खुल सकी है। अधिकारियों के लचर रवैये से परेशान पीड़ित ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। जानकारी मिली है कि पीड़ित ने पिहानी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिजगवा की उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता कौशल कुमार सिंह ने मामले की शिकायत कर जांच की मांग की थी। पूर्व प्रधान माया सिंह ने 5 वर्षों के कार्यकाल किया और अभी तक जांच नहीं हो सकी। CDO और DM से शिकायत के बाद अब शिकायतकर्ता कौशल कुमार सिंह ने मामले की जाँच के लिए मुख्यमंत्री से शिकायत की है, जिसमें शिकायतकर्ता ने साल 2015 से 2021 के दौरान दिए गए बजट का ब्यौरा भी पेश किया है। इस पूरे मामले में प्राइम टीवी के पत्रकार ने भी जांच अधिकारी सुरेश कुमार से बात की। चलिए आपको सुनाते हैं ये ऑडियो। जी ये कह रहे हैं सर, क्या बिजगांव वाले में क्या रहा था जांच में? पिताजी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हमें। अच्छा, डॉक्यूमेंट जी हमें नहीं दिए, तो मैंने इस बारे में एक लिख के भी दिया था CDO महोदय को, उसके बाद भी नहीं दिया। तो मैंने DPRO को भी एक बार लिख के दिया, DPRO ने उसको भी लिख के दिया, जो वो वर्मा है ग्राम विकास अधिकारी, उसके बावजूद भी आज तक वो ना आया है ना मेरे डॉक्यूमेंट लाया। मेरा मतलब था कि जो जो काम हुआ है वो पूरा काम उसमें कितना रुपए हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम संवाददाता हर्षराज का रुख करेंगे। हर्षराज, 1 साल बाद भी भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों की पोल नहीं खुल सकी है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक वर्ष बीत गया है, 13-9 को शिकायत करता है, CDO और DM को देता है, लेकिन इस पे जांच बैठा ली जाती है। जब मीडिया वालों ने खबर इसको चलाई थी तो मीडिया के दबाव में CDO जो यहाँ की आकांक्षा राणा है उन्होंने जांच बैठा ली थी, लेकिन जांच 1 साल बाद भी जांच शिकायतकर्ता को नहीं मिल रही है। इस बाबत जब हमारी बात इनसे जिला उद्योग अधिकारी जो जांचकर्ता CDO मैडम ने नियुक्त किया था उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि मुझको अभिलेख ही नहीं मिले हैं। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में जांच हुई थी, लेकिन एक सादे कागज पर जांच हुई, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला गया, जिसके बाबत फिर जो शिकायत करता है उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की है और गुहार लगाई है कि 1 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, जांच आख्या क्यों नहीं मिल रही है। जांच भी होती है लेकिन जांच आख्या क्यों नहीं शिकायतकर्ता को दी जा रही है, इसके मतलब लंबा घोटाला यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ के जो ग्राम पंचायत अधिकारी है विंदेश वर्मा, उनसे भी पूछा गया था तो उन्होंने एक शिकायतकर्ता को सूचना के आधार के तहत मांगा गया था, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि सारे अभिलेख मैंने उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन जब जब जांच अधिकारी खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई अभिलेख नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या सत्यता है? क्या विंदेश वर्मा के जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? क्यों नहीं शिकायतकर्ता को जांच आख्या दी जा रही है? क्या ऐसा मामला है कि 1 करोड़ को घोटाला जो शिकायतकर्ता बराबर दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं ये सत्यता पाई जा रही है? या हरदोई जिले के CDO DM है, क्यों नहीं जांच करवा पा रहे हैं? जांच तो की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो लगातार इस तरीके से शिकायतकर्ता बराबर दर्दर की ठोकरें खा रहा है, उसके बाद भी उसको जांच आख्या नहीं दी जा रही है। जी जी हर्षराज, तो क्या वजह सामने निकल कर आई है कि क्यों कार्रवाई नहीं की गई इतनी शिकायत करने के बावजूद भी? शिकायतकर्ता का कहना है कि लगभग 1 करोड़ का घोटाला है, जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी 5 सालों के दौरान रहे हैं, जो उसमें 6 सेक्रेटरी हैं। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सेक्रेटरी लगातार अपने संघ को लेके CDO मैडम पे दबाव बनाए हुए हैं कि जांच इस पे ना हो, और कुछ राजनीतिक कारण भी है। कुछ यहाँ के जो सफेद पोश नेता हैं इस जांच को दबाए हुए हैं, होने नहीं दे रहे हैं, जिससे शिकायतकर्ता CDO DM से थक के
वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि आखिर जांच क्यों नहीं आख्या दी जा रही हमको है। तो अब पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है, तो क्या अभी तक कुछ एक्शन लिया गया, कोई बात सामने आई? मयूरी जी आपको बता दें कि लगातार शिकायतें यहाँ हरदोई जिले में अक्सर होती हैं, खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। जब मीडिया ज्यादा खबरें चलाता है तो उसके बाद हल्की से जांच बैठाल के मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब शिकायतकर्ता से मेरी बात हुई तो शिकायतकर्ता लगातार कह रहे हैं कि एक साल हो गया है मुझे जांच आख्या क्यों नहीं दी जा रही है। उसके बावजूद जब RTI के तहत शिकायतकर्ता ने मांगा तो ग्राम पंचायतकारी लिखित में जवाब दे रहे हैं, उसकी भी मेरे पास खबर आई है, मैं आगे खबर को दूंगा। लेकिन कहने के बदले योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? बार बार जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी, वो बराबर लगातार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस के उस पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जिले के जो अधिकारी हैं लगातार उनके आदेश की अवहेलना करते हैं। शिकायतकर्ता लगातार शिकायत कर रहा है, जब भी अगर कोई जांच होती है तो छोटे कर्मचारी की गर्दन उसमें फांस दी जाती है, लेकिन शिकायतकर्ता बराबर ये भी कह रहा है कि जब 1 करोड़ का घोटाला है तो अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है तो देखते हैं कि क्या इसमें शिकायतकर्ता को क्या ये सफलता मिल पाएगी। जी अब तो ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। यूपी के सीतापुर के लहरपुर में तेज रफ्तार से आ रही ओवरलोड ट्रक ने एक मासूम की जान ले ली। दरअसल तहसील लहरपुर के भदफर मार्ग पर स्थित शाहपुर में तेज रफ्तार से आ रही ओवरलोड ट्रक पोल से टकरा गई, जिसमें अपने पिता के साथ मंदिर जा रही 10 वर्षीय मासूम सोनी की पोल के नीचे दबकर मौत हो गई। वहीं मौके पर सूचना पाते ही भर भर चौकी इंचार्ज निर्मल तिवारी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने ट्रक चालक को धर दबोचा और ट्रक चालक व ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।